अस्सलाम वालेकुम। शबे कदर जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं, इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रमज़ान मुबारक के महीने के आखिरी अशरे में इबादत करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इसी आखिरी अशरे में शबे कदर भी है, जो बड़ी बबरकत और फजीलत वाली रात है। इस रात में इबादत इलाही करने वाले को अल्लाह ताला खुसूसी अनाम कराम से नवाजता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कदर को तलाश करो। लैलतुल कदर की फजीलत के बारे में एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब में की उम्मीद से रोज़े रखेगा तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़े रमज़ान की रातों में क़याम यानी इबादत करेगा तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान के साथ सवाब हासिल करने की गर्ज से लैलतुल कदर में क़याम करेगा तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक और हदीस पाक जो इस ज़मन में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, रमज़ान आया, ये बरकत का महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और सरकश शैतान को तोक पहनाए जाते हैं, और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ारों महीनों से अफजल है। जो इसकी बरकतों से महरूम रहा वो बेशक महरूम है। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके।